दोस्तों, भारत में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों के द्वारा दुनिया भर के लोगों को एंटरटेन किया है। जहां हिंदी फिल्मों ने दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो वहीं साउथ फिल्में भी कुछ कम नहीं हैं, जिसने दर्शकों को एंटरटेनमेंट करने के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी कई हिंदी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। बात बाहुबली मूवी की हो या KGF की, इन फिल्मों को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है। और अब इसी बीच हम एक और ऐसी ही जबरदस्त साउथ मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम होने वाला है RRR, जिसे बाहुबली फेम डायरेक्टर SS राजमौली डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि फिल्मी दुनिया की बेहद इंटरेस्टिंग फिल्म होने वाली है। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको साउथ की फिल्म RRR के बारे में बताने जा रहे हैं कि कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और साथ ही फिल्म कब तक आएगी। तो अगर आप भी फिल्म RRR से जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही साउथ इंडस्ट्री के दमदार निर्देशक SS राजमौली के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आपको पता है, साउथ की कुछ फिल्मों ने दर्शकों को इस कदर एंटरटेनमेंट किया है कि आज ये फिल्मी इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। जहां बाहुबली जैसे ऐतिहासिक फिल्म ने दर्शकों का दिल जीता, तो वहीं KGF जैसी फिल्म ने अपनी जबरदस्त कहानी से दर्शकों की आंखों को नम कर दिया था। और इसीलिए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद से ही दर्शक साउथ फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। और इसी बीच दर्शकों की इस डिमांड को पूरा करने आ रहे हैं बाहुबली फेम डायरेक्टर SS राजमौली, जो जल्द ही अपनी 400 करोड़ की बड़ी बजट वाली फिल्म RRR के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर आपको एक हिस्टोरिकल पीरियड और एवेंजर्स ड्रामा कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें जबरदस्त एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का तड़का देखने को मिलने वाला है। वहीं फिल्म के क्लाइमेक्स में कई तरह के इंटरेस्टिंग सीन्स फिल्माए गए हैं, जिसे देखकर दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। साथ ही फिल्म में हमें हीरो और विलन के बीच भी जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी, जो काफी एक्साइटेड होने वाला है। वहीं अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो फिल्म में मेनली डायरेक्टर के तौर पर अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR को कास्ट किया गया है, जहां अभिनेता रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, तो वहीं अभिनेता जूनियर NTR को कोमाराम भीम का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा। वहीं फिल्म में बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी कई कलाकार नजर आने वाले हैं, जिसमें अभिनेत्री आलिया भट्ट और अजय देवगन का नाम भी शामिल है। जहां आलिया भट्ट सीता नाम की लड़की की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ अजय भी एक फ्रीडम फाइटर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जो समय समय पर कोमाराम भीम और सीताराम राजू को फिल्म बाहुबली के कटप्पा की तरह ही इन दोनों का मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे, जो इन्हें हमेशा जीवन की परेशानियों से लड़ने के तरीकों का सुझाव देते देंगे। लेकिन बात करें फिल्म के रिलीजिंग डेट की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर अगले साल 8 जनवरी तक करीब 8 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिसका इंतजार पूरे भारत के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इस फिल्म के प्रोमो को देखकर साउथ और हिंदी फिल्मों के फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म RRR में साउथ और बॉलीवुड मेगास्टार्स को एक साथ अभिनय करते हुए देखने के लिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।